शुरू हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रहे हैं रोहित शर्मा मैदान पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। क्या है इस मुकाबले का पूरा हाल, कैसे देख सकेंगे आप इस मुकाबले को लाइव, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत कर सीरीज को अपने नाम करे। तो दोस्तों भारतीय टीम ने अब तक शुरुआती 2 मुकाबले जीत लिए हैं और सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। पहले T20 मुकाबले में जहां एक शानदार लो स्कोरिंग मुकाबला देखा, लेकिन वहां पर भी काफ़ी शानदार फाइट हुई थी दोनों टीमों के बीच। इसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में तो रनों का अंबार लगा। ऐसे में यहां पर तीसरे T20 मुकाबला जो कि इंदौर में खेला जाना है, तो यहां पर भी एक बार फिर रनों की बारिश होने जा रही है। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए भी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम के परफॉर्मेंस की, तो उनके बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, खास करके 2 बल्लेबाजों का, यानी कि कप्तान तेम्बा बाउमा और उनके साथ यहाँ पर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे रायली रोसो, लेकिन दोनों बल्लेबाज अब तक दोनों मुकाबलों में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। लेकिन अब साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे T20 मुकाबले के लिए अपनी स्क्वाड में से कुछ बदलाव करने जा रही है। साउथ अफ्रीका की तरफ से हम तीसरे T20 की बात करें तो यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाज की वापसी होने जा रही है। उस बल्लेबाज का नाम है रेजा हेंड्रिक्स, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम उन्हें अपने स्क्वाड, अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करेगी रायली रोसो की जगह पर। जबकि कप्तान तेम्बा बाउमा भी अपने दोनों मुकाबलों में खाता नहीं खोल पाए हैं, लेकिन तीसरे मुकाबले में भी वो खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि कप्तान हैं। ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव हम देख रहे हैं, गेंदबाजी में ज़्यादा बदलाव की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एनरिक नोरकिया, कंगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाजी व गेंदबाजी मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स की वापसी के बाद अब इस टीम की प्लेइंग 11 भी पूरी तरह से बदली हुई नजर आएंगी, जहां पारी की शुरुआत करेंगे क्यूटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स, जबकि नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे एडम मार्करम, तो नंबर 4 पर डेविड मिलर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 5 पर तेम्बा बाउमा उतरेंगे, तो नंबर 6 पर ट्रिस्टन स्टब्स उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर वेनी पर्नेल उतरेंगे, तो नंबर 8 पर केशव महाराज खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 9 पर कंगिसो रबाडा उतरेंगे, तो नंबर 10 पर एनरिक नोरकिया, तो नंबर 11 पर लुंगी एंगेडी नजर आएंगे। यानी कि देखा जाए तो इस टीम की प्लेइंग 11 काफी शानदार नजर आ रही है। बल्लेबाजी में रेजा हेंड्रिक्स की वापसी के बाद और भी मजबूत नजर आएगी। पारी की शुरुआत यहां पर काफी शानदार हो सकती है। वहीं पर पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले क्यूटन डिकॉक और डेविड मिलर से हम यहां पर एक बार फिर बेहतरीन पारी की उम्मीद करेंगे, क्योंकि यहां पर इस मैदान पर काफी रन बनते हैं। ऐसे में यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं इंदौर में ये दोनों बल्लेबाज, और यहां पर क्यूटन डिकॉक की शानदार फॉर्म भी अब उनके साथ आ चुकी। वहीं पर भारतीय टीम की हम बात करें दोस्तों, तो बल्लेबाजी में टीम इंडिया के पास भी अच्छा खासा दमखम नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल एक बार फिर शानदार शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के ऊपर भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में किया था, फिर ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो एक बार फिर पारी की शुरुआत केएल राहुल और रोहित शर्मा करने वाले हैं। केएल राहुल के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक इस सीरीज के दोनों मुकाबलों में वो अर्धशतक जमा चुके हैं। एक मुकाबले में उनके बल्ले से शानदार 28 गेंदों पर 57 रन देखने को मिले तो एक मुकाबले में, जबकि पहले मुकाबले में भी काफ़ी शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली थी। ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले में भी एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से हमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में नाबाद 49 रनों की पारी खेली थी विराट कोहली ने मात्र 28 गेंदों पर। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर इस मुकाबले में भी उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो हालांकि नंबर 4 पर विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, अगर इनका बल्ला चला तो फिर टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने 22 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की थी और वही बल्लेबाजी यहां पर भी जारी रख सकते हैं।
वहीं पर दोस्तों उसके बाद नंबर 5 पर हमें दिनेश कार्तिक खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर ऋषभ पंत उतरेंगे। हालांकि यहां पर ऋषभ पंत को इस मुकाबले में थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका भी मिल सकता है, यानी कि नंबर 5 पर। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर 7 पर हम खेलते हुए देखेंगे अक्षर पटेल को, जो कि शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो वहीं पर नंबर 8 पर टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर इस मुकाबले में उतरने वाले हैं दीपक चहर। तो नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे हर्षल पटेल, जबकि दोस्तों नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे। तो नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आएंगे रविचंद्रन अश्विन। यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 नजर आ रही है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करना होगा। वहीं पर दोस्तों ये मुकाबला शाम के 7 बजे शुरू होने जा रहा है, जिसे आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर। तो दोस्तों क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।